हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और आज तो मैं उसी रास्ते से आई हूँ जहाँ हम 3 महीने पहले चलते थे। उससे भी शायद ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा। सर्जरी को भी 1 महीना हो गया। उससे पहले 2-2.5 महीने पहले ही नहीं चला जाता था मेरे से, तब से ही छोड़ रखी थी मैंने वॉक। हाँ तो सर भी आए हैं मेरे साथ, लेकिन सर आगे आगे चल रहे हैं क्योंकि मेरे ना तो तेज चला जाता ना इतना चला जाता। सर तो चींटियों को डालेंगे आटा वगैरह, तो मैंने कहा जितना जहाँ अपने घूम घूम के डालते हो डाल देना, वापस फिर इसी रास्ते से ही आ जाना जिस रास्ते से जा रहे हो, ताकि मैं आपको उसी रास्ते में मिल जाऊँ जितना मेरे है चला जाएगा। मैं चाह आप भी चलो, इतने दिनों से सर भी नहीं आ रहे हैं वॉक पर। मैंने कहा धीरे धीरे थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प करने लगूंगी और आप भी चला करो वॉक पर, जितना हमारे चला जाए कम से कम 15-20 मिनट तो चली पड़ा करो। बहुत दिन हो गए आपको भी चले हुए, तो सर आगे आगे चल रहे हैं। अब से मिलो सर, डाल आए हैं जल्दी। Hello, आगे डाल कर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कहाँ डाल के आई? कई जगह सब आगे तक नहीं गया ना, फिर इकट्ठा डाल दिया क्योंकि फिर आपका आपको भी सांस चढ़ रहे। सर भी बहुत दिनों के बाद आए हैं, हम तो जल्दी ही वापिस हो लिए। स्कूटी पे रोज आता हूँ मैं। स्कूटी की बात नहीं, स्कूटी पे तो आप दिन भर कब बैंक में जाते हो आते हो, ये क्या बात हुई? वॉक की बात होती है तो टाइम नहीं मिलता ना। हाँ स्कूटी पे तो रोज आना चलते हो सारा दिन, वॉक करने की बात होती है। ये फ्रेंड्स आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो गेंदे के फूल ही फूल। बाहर आओ तो फ्रेंड कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही है जो आंखों को सुंदर लगता है, अच्छा लगता है आंखों को। पक्षियों की आवाज़ चहचहा रही हैं, चिड़िया। ये देखो दूर दूर तक गेंदे ही गेंदे के फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं। आज हम अपने मेन जगह पर ही आए हैं फ्रेंड, मैंने अभी बताया है आपको जहाँ पर पहले आते रहते थे। दूर दूर तक है ये फ्लावर्स, इस साइड में भी है। सर हम कितने दिनों बाद साथ साथ आए होंगे? ढाई-3 महीने से। काफी टाइम है, 1 महीना तो पता है मुझे सर्जरी हुए हो गया है। दो ढाई महीने पहले छोड़ दिया था। पहले छोड़ दिया था। 3-3.5 महीने हो गए कम से कम। तो आप ये बताओ आप आज आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ? बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे लोग जो है ना आने वाले टोकते हैं, अभी आप अकेले कैसे हो? अब तो पता चल गया लोगों को, इतने दिन हो गए। मोस्टली पता लग गया। हाँ सर्जरी और ये सब दुआ करते हैं ठीक ठाक हो। हाँ खैर मिलने वाले आपस में ऐसे तो पूछते ही है जो डेली ऐसे ऑफिस में आते हैं, वो भी कहते हैं हम तो दुआ करते हैं जल्दी ठीक हो जाए। चलो उन सब की विशेज है ना फ्रेंड्स, आप सब की विशेज है जिसके कारण मैं अब दिन भर ठीक होती जा रही हूँ, थैंक्स गॉड। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, जो आप सब मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा सर के साथ इतने दिनों बाद आई हूँ मैं। आजकल फ्रेंड्स पेड़ पौधों की भी कटाई चल रही है, देखो सड़कों पर वैसे भी रेत मिट्टी उठाने लग रहे हैं ना। कटाई चल रही है, सफाई हो जाएगी दिवाली की सफाई। ये रेत मिट्टी इकट्ठी तो कर देते हैं लेकिन उठाते नहीं है, फिर क्या है कुछ दिनों बाद वही मिट्टी वही सड़कों पर आ जाती है। साथ साथ उठा ले तो फिर दोबारा से ये मिट्टी ना आए। काफ़ी साफ कर रखा है, बहुत दिनों बाद देखा है मैंने तो, आज काफ़ी सफाई लग रही है मुझे। सर ये इतने मोटे मोटे ये वायर किसने लगाए? मैंने आज ही ध्यान दिया है। इलेक्ट्रिक केबल है, पहले जो वायर होती थी वो हटा दी, एक तो लोग चोरी कर ना कर सकें। हाँ हाँ। और दूसरा जो है ना जैसे कोई बंदर है या कोई चीज़ ऊपर जाए तो एक्सीडेंट ना हो। अच्छा सेफ है ना ये सारा ही? मैंने तो आज ही देखा है ना तो वायर लाइन लॉस बोलते हैं ना, लाइन का लॉस भी होता है ना, अपने आप बिजली खत्म होती है। हाँ। वो खत्म हो जाके क्योंकि इसके अंदर ढकी हुई सारी चीज़ें। अच्छा कोई पक्षी बैठते हैं या कोई बंदर आते हैं या कुछ भी है
या किसी वायर डाल लिए अपने चोरी, हाँ, जो चोरी करते हैं उनसे बचाव के लिए। तो पूरी सिटी में है ये होगा, है सारा हर जगह कर दिया, धीरे धीरे हर जगह फैलता जा रहा है, क्योंकि जैसे गांव में भी चोरी होती है तो वहाँ भी गांव में जान लगी ये वायर। हाँ, गांव में भी कोशिश कर रहे हैं, कर हर जगह मीटर बाहर निकाल के लोग तो डिपार्टमेंट दे आपके पीछे डोगी, ये देखो ये सारे आपके पीछे, जब तक ना साथ में एक डंडा लेकर आ करो छोटा, ये सारे आपके पीछे पीछे आते हैं, आप लाते हो ना असल में, जानते हैं क्या आपको नहीं, इनको कुछ नहीं, मैं डालता नहीं। ये सारे आपको जानते हैं क्या, जो भी आएगा आपके पास जाएगा। हाँ, ये पूरे ही उसमें, मैं तो पहली बार ही देखा, पता नहीं होंगे जैसे ये वायर है, अब ये कौन सी, ये इधर वायर रही, हाँ, ये वाली पतली, हाँ सब चेंज ऐसा हुआ होगा, अभी मेन रोड पर ही क्या होगा अभी, है ना। आप क्या करने लगे, एक डोगे ने सारा, अरे अरे वो जो हमने उगाया था सरसों, पीछे पालक उगाई थी वो खराब कर दी, अभी फ्रेंड से हमने सरसों उगाई थी, उगाने देना, अरे अब के बाद तो ना पालक कुछ भी नहीं होने देते ना, ये डोगे तो कमाल कर देते हैं ना, उस साइड आते हैं वहाँ कुछ लगाओ, उस कोने से आते हैं कूद कर। हेलो वीरा, एलोवेरा कितने अच्छे हैं, क्या और कहाँ खोद रखा है, ये तो इतना बड़ा गड्ढा कर रखा है, सारे एलोवेरा खराब कर दिए आप, ये जो एलोवेरा, अरे ये काट दिया क्या, कट गया ये, टूट गया बस ना, ये तो पत्ते है ना एलोवेरा के, ये लीफ दब रहा है ये, अगर ठीक हो तो निकाल लो, इसको तो खराब हो जाएगा, ना ना ठीक है, ठीक है, हाँ चलो ठीक है। ये तो डॉगी का तो क्या है, हमारे घर में बिस्किट खाते हैं, रोटी खाते हैं और यहीं पर ही नुकसान करते हैं। हमारा झंडा देख लो फ्रेंड्स लहरा रहा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, वीरों को हर्षाने वाला। इसके ऊपर से भी चढ़ के कूद जाते होंगे यहाँ से, यहाँ से वो इजी आराम से वहाँ से आते हैं, यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ा जाता ना, वहाँ मिट्टी वो ऊंचाई है ना, वहाँ से ऊपर निकल जाती है, कूद तो जाए यहाँ से। ये देखिए बैठे हमारे घर के आगे, यही खाते हैं बिस्किट के इंतजार में बैठे हैं यहाँ पर, ये यही खाना, यही नुकसान करना। डंडे देखता हूँ मैं, तो आप क्या लगाओगे, डंडे लगा हाँ वहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा तभी। चलो सर, अब तो आपके पास टाइम नहीं है इस टाइम में, हाँ सुबह सुबह इतना टाइम नहीं, ये तो छुट्टी वाले दिन कभी लगा लेना, टाइम लगेगा इसके लिए। ये पैंट चेयर मैंने जानबूझ के यहाँ डलवा रखी इसके साथ, या बैठ के मैं शूज़ पहनती हूँ और यही बैठ के निकालती हूँ, झुका नहीं जाता तो साइड में शूज स्टैंड पर रख देती हूँ मैं। ओह ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरे सारे प्लांट्स, मनी प्लांट जो सामने मैं रखती थी, इतनी सारी बोतल लगा रखी थी मैंने, या इतनी सारी बोतल्स में मैंने मनी प्लांट लगा रखे थे, ये देखो संभाल नहीं पाई मैं इतने दिनों से, सब खराब हो गए हैं, ये देखो कैसे गली पड़ी सारी जड़ें, और ये दो बोतल तो मैंने खाली कर दी, बिल्कुल ही खराब हो गया था इनका, देखो रूट जो है बिल्कुल गल गई है, नए सिरे से लगाऊंगी इनको, इन दिनों में पता नहीं लगेंगे या नहीं, लेकिन लगाने की कोशिश, लेकिन अभी तो मैं कर नहीं सकती, देखो खाली बोतल ऐसे ही रख देती हूँ अभी खाली करके, सर ने लगानी उधर लगा देंगे, मेरे से तो लगाई जाएगी, आप सब कह रहे मैं लगा दूंगा, लगा देना, ये खाली करके रख दी है मैंने बोतल। बादाम छील रही हूँ फ्रेंड्स, बादाम शेक बनाऊंगी, अखरोट भी हैं, ये रात को ही भिगो दिए थे और मखाने भी डालूंगी बादाम शेक बनाते हुए। दूध मैंने सुबह ही निकाल के रख दिया था, ठंडा दूध था जो फ्रिज में, सुबह तो गर्म दूध पीने के लिए मना किया हुआ है मुझे कि गर्म दूध सुबह सुबह नहीं पीना,
अब शेक बना रही हूँ फ्रेंड, इसमें बहुत ही अच्छा पेस्ट बन जाता है। थोड़ा सा ही दूध डालूंगी, बाकी बाद में मिक्स कर लूँगी। और इसमें टेस्ट के लिए डाल देती हूँ थोड़ी सी बूरा, ज़्यादा नहीं डालूँगी, फिर बाकी का दूध बाद में मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छा बन जाता है फ्रेंड, वैसे खाने में थोड़ी दिक्कत होती है मुझे, और ये बन गया है मेरा बहुत अच्छा पेस्ट। चलो फ्रेंड, आज के ब्लॉग का करते यहीं पर एंड, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।